नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चांद के बाद अब भारत सूर्य मिशन की तैयारियों में जुटा हुआ है। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के लिए तैयार है और इसी बीच चांद से भी नई नई जानकारियां आ रही हैं। भारत का मिशन मून जारी है। चांद के साउथ पोल से विक्रम और प्रज्ञान नई नई जानकारियां भेज रहे हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की पड़ताल तो कर ही रहा है, उसने विक्रम लैंडर की तस्वीरें भी भेजी हैं। इसरो ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने ये तस्वीरें ली हैं, जिसमें विक्रम चांद पर शान से अपने पैर जमाए दिख रहा है। ऐसी शानदार तस्वीरें खींचने वाला कैमरा किसने बनाया है, इसरो ने इसकी जानकारी भी दी है। चंद्रयान 3 मिशन के नेविगेशन कैमरे लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ने तैयार किए हैं। प्रज्ञान और विक्रम अपने मिशन में जुटे हुए हैं। इस बीच इसरो की आदित्य L1 मिशन की तैयारियां भी लगातार जारी हैं। आदित्य मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, इससे पहले लॉन्च की तैयारी जारी है। इसरो ने लॉन्च का रिहर्सल यानी व्हीकल की जांच पड़ताल कर दी है। आदित्य L1 सूर्य के स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 के पैलोड सूर्य के क्रोमोस्फीयर की पड़ताल करेंगे। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अंतरिक्ष में ये भारत की एक और ऊंची उड़ान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देवास के एक गांव में तेंदुआ घुस जाता है। ग्रामीण तेंदुए के साथ सेल्फी लेते नजर आते हैं, उसकी सवारी करते हुए दिखते हैं। अब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन ऐसा करना सही था और तेंदुए का ऐसा अजीबोगरीब व्यवहार क्यों? रिपोर्ट में देखिए। जब आपके सामने शिकारी आ जाए, मतलब कोई खतरनाक जानवर, वो भी तेंदुआ, तो तय है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप डर से कांप जाएंगे, पूरा गांव थर्रा जाएगा। आप ऐसा सोच रहे हैं ना? लेकिन देवास से आई तस्वीर को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, लोगों में तेंदुए का कोई डर नहीं दिख रहा, लोग सेल्फी ले रहे हैं, साथ चल रहे हैं। तस्वीरें जिले के सोनकक्ष तहसील के इकलेरा गांव की है, जहां माता मंदिर के पास तेंदुआ घूम रहा था। ग्रामीणों की नजर जब तेंदुए पर पड़ी तो सब हक्के बक्के रह गए। ये तेंदुआ इस जंगल में घूम रहा है, जो कि हल्का सा कुछ चक्कर वगैरह आगे आ रहे हैं, तो उसकी सूचना पाकर हम मौके पर आए हैं। वो जब से उसकी निगरानी रख रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और अभी वो पास में या नाले में उतरा है नीचे, वो तो पूरी टीम लगी हुई है और हमारी रेस्क्यू टीम एक जो देवास वाली है वो मौके पर आ चुकी है। पहले तो ग्रामीणों को यकीन ही नहीं आया, जब मंदिर के पास पहुंचे तो तेंदुए को देख हैरान रह गए। हैरानी इस बात की कि शिकारी अपना व्यवहार कैसे बदल रहा है। जिस तेंदुए को देखकर लोग भाग खड़े होते हैं, वो तेंदुए के पास सैकड़ों की भीड़ में जुटे हैं। तेंदुए का अजीबोगरीब व्यवहार देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण तेंदुए के साथ चलते दिखाई दिए, कोई उसकी पीठ पर सवार हो जाता तो कोई सेल्फी लेते नजर आया। तेंदुआ बीमार नजर आ रहा है, उसकी हालत ऐसी भी नहीं है कि वह वहां से भाग सके या फिर किसी पर हमला कर सके। ऐसे में तेंदुए के पीठ पर सवारी करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। हालांकि मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया। अब बीमार तेंदुए का इलाज चल रहा है। वन विभाग इस विषय की जांच में जुटा है कि आखिर तेंदुआ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। क्या वो वाकई में बीमार है या तेंदुए के व्यवहार के पीछे कुछ और वजह है? न्यूज 18 के लिए देवास से वरुण राठौर की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री श्रीमद भागवत कथा और दरबार लगाने के अंदाज से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उनका एक अलग अंदाज नजर आया, लेकिन इस दरबार और ना पर्चा निकालने की वजह से सुर्खियों में हैं, बल्कि इस बार उनका शाही अंदाज नजर आया है। आप भी देखिए। कभी आपने बयानों से, कभी अपने अलग अंदाज से, कभी पर्चे निकालने की कहानी से, अक्सर बागेश्वर धाम के महाराज सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उनका अलग अंदाज लोगों को खूब भा रहा है।
इस बार किसी बयान से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार की तस्वीर ही अलग है। तस्वीरें देखिए, महाराज का शाही अंदाज, देखिए उनका अलग रूप। घोड़े को दुलारते, घोड़े को पुचकारते और घोड़े पे अंदाजे शाही में सवार, ये बागेश्वर धाम के सरकार हैं। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री हवन पूजन के आयोजन में पहुंचते थे, जिसमें आहुति देकर महाराज निकले तो उन्हें एक घोड़ा नजर आया। वह घोड़ा देखकर उसके पास आए, पहले उसे प्यार और दुलार दिया, फिर उसके बाद वह कुर्सी के सहारे घोड़े पर चढ़े और उसकी सवारी की। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को घोड़े पर सवार होता देख उनके भक्तों भी काफी उत्साह दिखा। जैसे उनके दरबार में भीड़ लगती है, वैसे ही उनके शाही अंदाज को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बागेश्वर महाराज ने भी घोड़े की सवारी का लुत्फ उठाया। न्यूज 18 के लिए छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। छतरपुर में बागेश्वर धाम महाराज को बहनों ने राखी बांधी है। भद्राकाल होने के चलते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सुबह ही राखी बंधवा ली। उनको राखी बांधने के लिए दूर दूर से बहनें बागेश्वर धाम पहुंची। महाराज ने बहनों को उपहार दिए, आशीर्वाद भी दिया और कई बहनें इस दौरान भावुक भी नजर आईं। भोपाल में जहां रक्षाबंधन के अवसर पर BCLL ने महिलाओं को तोहफा दिया है, बहनें आज बसों में मुफ्त सफर कर रही हैं। कुल 368 बसों में बहनें कहीं भी मुफ्त में आ जा सकेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये व्यवस्था लागू रहेगी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए। रिश्ता का त्यौहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पर नगर निगम भोपाल ने एक बड़ी सौगात दी है कि आज जितनी भी बसें चलती हैं, जो शहर की बसें हैं, उनको महिलाओं के लिए फ्री रखा गया, यानी महिलाएं जो है वो फ्री में आज यात्रा कर सकेंगी। आप देख सकते हैं कि बस में मौजूद हूँ और तमाम जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज बसें जो आप लोगों के लिए फ्री रखी है, किस तरह से देखते हैं? बस फ्री है तो दिन भर अच्छा है। आप लोगों के लिए आज बसें फ्री रखी गई है, आप लोग सफर कर रही है, अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रही है आप? सागर। सागर जा रहे हैं। अच्छा, तो भाई के पास जा रहे हैं? हाँ, भाई के पास जा रहे हैं। यहाँ आपको फ्री में यात्रा करने के लिए कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों के लिए बसें फ्री की गई हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार और आप लोग फ्री में आ रहे हैं। राखी बांधने जा रहा भाई के पास। और भी कुछ लोग हैं। आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? मतलब जा रहे हैं हम गाँव। अच्छा, मायके। अच्छा, भाई के साथ राखी? भाई हाँ जा रहे हैं। तो आप यात्रा आज फ्री कर रही हैं? हाँ हाँ। तो और भी जिले के कलेक्टर महोदय, उनसे बात करेंगे। सर, आज महिलाओं के लिए बस फ्री रखी गई है? हाँ, खुशी से आराम से जा रहे हैं सब लोग अपने अपने जगह। तो आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं उनमें आज जो महिलाओं को फ्री यात्रा दी गई है, और अधिकांश जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हैं। तो ऐसे में आज उनको एक सौगात जो है वो नगर निगम की तरफ से दी गई है। कैमरा मैन संजय के साथ चैलेंज न्यूज टीम भोपाल। भोपाल की जेल में कैदियों को बड़ी संख्या में बहनें राखी बांधने के लिए पहुंची। प्रत्येक रक्षाबंधन पर जेल में त्यौहार मनाया जाता है। कोविड के चलते जेल में बंद भाइयों से मिलने रक्षाबंधन पर नहीं जा पा रही थी बहनें। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का बंधन रक्षाबंधन है, और आज रक्षा सूत्र बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जो है वो भोपाल के जो सेंट्रल जेल पहुंची। आप देख सकते हैं तस्वीरें, सीधे सेंट्रल जेल से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो कैदी हैं, जो विभिन्न अपराधों में यहाँ बंद हैं, उन सबको जो है आज रक्षा सूत्र बांधने के लिए उनकी बहनें पहुंची हुई हैं, मिठाई लेकर पहुंची है, नारियल लेकर यहाँ पहुंची हुई है। और जो
खुशियाँ हैं वो मनाई जा रही है, क्योंकि बड़ी एक पर्व होता है। और ऐसे में भाई बहन जो है वो आज साथ में यहाँ मौजूद है, जो एक अपने अपने भाइयों से वो आज यहाँ मिलने पहुँची है। आज अगर बात करूँ तो पिछले 3 साल से अगर कोविड के चलते जो है वो जेल में रक्षाबंधन के दिन मिलाई नहीं हो पाती, जिससे कि कहीं ना कहीं बहनों को काफ़ी निराशा होती थी। लेकिन अब जिस तरीके से इस साल जो है वो अनुमति दी गई है, तो बड़ी संख्या में जो बहनें यहाँ पहुँची हैं, उनसे कुछ कुछ बहनें हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस। बहन जी 3 साल बाद आप लोग मिलने आ पा रहे हो क्या? आज मिलने आई है भाई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए? पड़ोस से। अच्छा, आप मिलने आए हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार है आज? हाँ, मिलने आए हमारे लड़के से। आप भी मिलने आए? नहीं, मिलने आएंगे, उनसे माता राम है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कि बड़े दिनों बाद आप मिले होंगे आज? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहुंचे हुए हैं जो अपने परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, और ये बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जेल में भले ही बंद है लेकिन त्योहार का मौका है, और ऐसे में जब परिजन आते हैं तो जो बंद कैदी है उनको भी खुशी। इंदौर में रक्षाबंधन पर सेंट्रल जेल में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी, बड़ी संख्या में पहुंची बहनें अपने भाइयों के गले पर राखी बांधने के लिए पहुंची थी। बहनों ने भाइयों को लंबी उम्र के साथ जल्द रिहाई का आशीर्वाद भी दिया। वहीं पूरे जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का त्योहार इंदौर के सेंट्रल जेल में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने यहां पर पहुंची हुई हैं, और वो यहां पर अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी कर रही हैं, और वो मानकर चल रही हैं कि उनके भाई जल्दी ही जेल से रिहा होंगे और अपने घर पर वो पहुंच पाएंगे। हम यहाँ पर जो कुछ बहनें आई हैं उनसे भी हम बात करते हैं। जी आप बताइए, आपने राखी बांधी है, कैसा लग रहा है आपको? हमको हमारे भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि पूछो ही मत। क्योंकि यही तो खास दिन रहता है अपने भाई उनसे मिलने का, सबसे बड़ा यही दिन है अपने भाई उनसे मिलने का। मेरे बच्चों उनकी तबीयत खराब थी तो मैं इनसे मिलने के लिए तरस गई। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या कहना चाहेंगी आप? क्या चाहती हैं आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि ये मेरे भाई हमेशा खुश रहे और इनको जल्दी से जल्दी इनको रिहाई मिल जाए कि अगले साल हम साथ में घर पर राखी बांधे। देखिए बड़ी खुश हैं बहनें, और वो सिर्फ यही मांग कर रही कि जल्दी से उनके भाइयों की रिहाई हो जाए और घर पर वो अगला रक्षाबंधन मना सके। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, News 18 इंदौर। तो प्रदेश भर की जेलों में बंद कैदियों को इस बार उनकी बहनें रक्षाबंधन पर राखी नहीं बांध पाएंगी। कोरोना और आई फ्लू को देखते हुए जेल प्रशासन ने सभी जेल अधीक्षकों को लेटर लिखकर निर्देश दिए हैं कि जेल के अंदर कैदियों को राखी नहीं बांधी जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने बंदियों के लिए रक्षाबंधन पर विशेष इंतजाम किए हैं। बहनें अपने कैदी भाइयों के लिए राखी जेल प्रशासन के पास जमा करा सकती हैं। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर ऐसा इंतजाम किया गया है जहां बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखियां जमा कराई। कोविड के चलते और अब आई फ्लू के चलते यहां पर जो जेल में बंदी निरुद्ध हैं या बंदी हैं उनके परिजन आए हुए हैं, रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन 3 सालों से अपने भाई के कलाई पर राखी नहीं बांध सके हैं, दर्द साफ झलक रहा है। हम उन्हीं लोग से बात करेंगे। कितना दिन हो गया आप रक्षाबंधन नहीं बांध पाए हैं, क्या बोल रहे हैं? 3 साल हो गया है, 3 साल से हम लोग बांध ही नहीं पाए हैं राखी अभी। जी अभी दिया है, छोड़े हैं? हाँ अभी छोड़े हैं, अभी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं तो छोड़े हैं अंदर। जी क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ बात हुई है? कुछ बात नहीं हुई है, उसका शकल भी नहीं देखे हम लोग। अच्छा, हाँ मैं उसकी छोटी बहन हूँ और 3 साल हो गया है मैं वापस जा रही हूँ राखी दे देकर, लेकिन 3 साल हो गया है मुलाकात के लिए एक नजर भी एक झलक नहीं दिखा रहे हैं। जी हाँ, चलिए देखिए जो बहनें हैं वो बिल्कुल मायूस हैं क्योंकि अपने भाइयों के कलाई पर राखी नहीं बांध पा रहे हैं। जब कोविड का दौर नहीं था तो ऊपर जो अंदर जेल परिसर में आयोजन होता था राखी बांधा जाता था, लेकिन अभी एक आदेश जारी किया है जेल प्रबंधन ने और जिसके तहत कोरोना और आई फ्लू के चलते जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के राखों पर कलाई नहीं बांध पा रहे हैं, और ये जरूर व्यवस्था दी गई है कि जो लोग आ रहे हैं एक पेटी रखा गया है उसमें रक्षाबंधन और मिठाइयाँ छोड़ रहे हैं और अपने भाइयों के लिए वो संदेश भी भेज रहे हैं।
कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। सुकमा में तैनात सीआरपीएफ जवानों की कलाई इस साल सूनी नहीं रही। कैंप के आसपास के रहने वाली महिलाओं और नवोदय विद्यालय की छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी। इस मौके पर कई जवान अपनी बहनों को याद कर भावुक हो गए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। 223 बटालियन के पेंटा कैंप में ये आयोजन किया गया। के साथ सुकमा जिले के पब्लिक और स्कूल का क्षेत्र बच्चे आए हैं हमको राखी बांधने के। हम लोग ड्यूटी करते करते हम लोग घर तक पहुँच नहीं पाते हैं त्यौहार के दिन में। हमारा बहनें रह जाती हैं या इंतजार करते करते, तो आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये ग्रामीण लोग और बच्चे आके हमको राखी बांधा है, हमको अपना भाई माना है और अपना परिवार का मेम्बर समझा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका सुरक्षा, देश का सुरक्षा। जगदलपुर में जवानों की गलाई पर ग्रामीणों ने राखी बांधी। देश की सेवा कर रहे जवानों को घर जाने का मौका नहीं मिलता, ऐसे जवानों की गलाई पर राखी बांधकर ग्रामीणों ने बहनों की कमी पूरी की। बहनों को आशीर्वाद देते हुए जवानों ने इलाके में शांति सुरक्षा का वादा किया है। राखी बंधवाते समय जवान भावुक भी नजर आए। जवानों आज मतलब इधर सबकी रक्षा कर रहे हैं, गांव वाले को सबकी समस्याओं को समझ रहे हैं और उसका हल कर रहे हैं, इसलिए गांव वाले उनको राखी बांध। जो पहले यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं था तो अभी डर था, और पहले लोग मन भी बकते थे, हावरत लोग भी बकते थे पुलिस लोगों को देखने के बाद। जो कैंप आया तब से यहाँ से कोई बगने का मौका नहीं मिला, नहीं बगे, सब लोग ठीक ठाक से हैं और उन लोगों गांव वालों के लिए बहुत रक्षा किए। हमेशा कुछ भी देते रहते हैं, कुछ बोलेंगे तो उसको प्रॉब्लम छोड़ कर देते हैं। आज रक्षा बंधन है, बल्कि पूरा गाँव वाले मिल के शिरडी में साईं बाबा के दरबार में हर उत्सव को बड़ी ही धूमधाम से आस्था से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन साईं बाबा को राखी बांधकर एक भाई के स्वरूप में भी देखा जाता है। मान्यता है कि आज के दिन भाई अपनी बहनों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी सुरक्षा का वादा करते हैं। इस पवित्र रिश्ते को निभाते हुए सदैव उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं भाई। ठीक वैसे ही साईं बाबा भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए महिला भक्त आज के दिन बाबा को राखी बांधकर राखी चढ़ाकर अपनी आस्था और श्रद्धा कायम करती हैं। शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति को सोने की अंगूठी और आकर्षक राखियां भी बांधी गईं। रायपुर से खबर है, बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव का बड़ा आरोप है डेंगू के मामले में सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है रायपुर शहर में डेंगू ने विकराल रूप ले लिया है, हर घर में डेंगू का मरीज दिख रहा है, स्वास्थ्य मंत्री व्यवस्था के प्रति संवेदनशील नहीं है, सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य शामिल नहीं है, 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, आम आदमी का जीवन संकट में आ गया है, तेलीबांधा में एक परिवार के दो मासूमों की डेंगू से मौत हो गई है, स्वास्थ्य विभाग डेंगू से मौत होने से मना कर रहा है, डेंगू के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। सीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री की आपसी लड़ाई से व्यवस्था बदहाल है, ये गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने और साथ ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू के आंकड़े छिपा रहा है। देखिए आज रायपुर सहित पूरे प्रदेश में जिस तरीके से डेंगू का कहर है और लोगों की लगातार मौतें हैं, आज रायपुर शहर के अंदर में लगभग हर एक मोहल्ले में हर एक परिवार के अंदर में कोई ना कोई एक व्यक्ति डेंगू का शिकार हो रहा है, और ऐसे समय में भी राज्य शासन आंकड़ेबाजी करके और आंकड़ों को छिपाकर केंद्र को गलत रिपोर्ट देकर अपनी छवि को बचाने का प्रयास कर रही है। छवि बचाने का उनके लिए प्राथमिकता है, लेकिन लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता डेंगू पे नहीं है। आज डेंगू को लेकर सरकार को संवेदनशीलता के साथ में काम करने की आवश्यकता है। लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, एक परिवार से दो दो लड़के समाप्त हो गए, इससे विकट स्थिति नहीं हो सकती। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को छोड़कर, अपनी प्रतिद्वंदता को छोड़कर स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को डेंगू पर प्राथमिकता के साथ में काम करने की आवश्यकता है और लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है। राजनांदगांव के दौरे पर आए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में विजय बघेल ने कहा कि पाटन से बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरेंगे और वे सीएम भूपेश बघेल को इस चुनाव में हराएंगे। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर विजय बघेल ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र कांग्रेस से अच्छा रहेगा।
देखिए, प्रतिद्वंदी बड़ा हो या छोटा हो, सब में मेहनत लगती है, ताकत लगती है, हिम्मत लगती है। और मैं तो एक प्रतीक हूँ प्रत्याशी के रूप में। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने मुझे इस लायक समझा। जनता के आशीर्वाद से, वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर निश्चित रूप से विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम मुख्यमंत्री को हराएंगे और वहाँ जीत हासिल होगी। इसी के साथ बोल रहे हैं, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।